पुराना विवाद जो समंदर से बाहर आ गया, एक मतभेद जिसने समंदर की सीमा भी लांघ दी, एक कहासुनी जिसने समंदर को भी पीछे छोड़ दिया, एक तकरार जिसने फिर से एक संकट खड़ा कर दिया दो देश के बीच, और वो संकट इतना गहरा गया कि दोनों देशों के बीच सेना को सीमा पर उतरना पड़ा। हम बात कर रहे हैं हेलमंद नदी को लेकर। यह वो नदी है जिसने ईरान और अफगानिस्तान के बीच एक विवाद पैदा कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका द नगरी न्यूज में। मैं सिद्दीका मनोहर सोनी आपके साथ। ईरान और अफगानिस्तान के बीच पानी को लेकर काफी पुराना विवाद है। यह विवाद नया नहीं है। तालिबान के सत्ता में वापसी के बाद से ही दोनों पक्षों का विवाद और बढ़ गया है। ईरान इस वक्त सूखे से जूझ रहा है। उसकी परेशानी अफगानिस्तान के साथ लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण बढ़ गई है। ईरान का दावा है कि हेलमंद नदी जल बंटवारे के समझौते पर तालिबान अमल नहीं कर रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि दोनों देशों के बीच आखिर पूरा विवाद क्या है। विवाद है हेलमंद नदी को लेकर। हेलमंद अफगानिस्तान की सबसे लंबी नदी है, जो 1000 किलोमीटर लंबी है। यह अफगानिस्तान से पूर्व की दिशा में बहते हुए ईरान जाती है। 1950 के दशक में अफगानिस्तान ने हेलमंद नदी पर दो बड़े बांध बना दिए, जिससे ईरान को हेलमंद से मिलने वाले पानी की मात्रा सीमित हो गई। इससे नाराज होकर ईरान ने अफगानिस्तान के साथ रिश्ते खत्म करने की धमकी दी। दोनों के बीच विवाद के बाद साल 1973 में एक समझौता हुआ, जिसके तहत यह तय हुआ कि अफगानिस्तान हर साल ईरान को हेलमंद नदी का 85 करोड़ क्यूबिक टन पानी देगा। लेकिन यह समझौता कभी ठीक से लागू नहीं हुआ, और इसे लेकर दोनों देशों के बीच लगातार तनाव रहा, और वही तनाव आज एक बार फिर से उठ गया है। कहानी की शुरुआत करते हैं मई के महीने से। मई में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने तालिबान को चेतावनी देते हुए कहा था कि वो ईरान अफगानिस्तान के जल समझौते का सम्मान करे या फिर इसका नतीजा भुगतने को तैयार रहे। जवाब में एक जाने माने तालिबानी नेता ने ईरानी नेता की खिल्ली उड़ाते हुए उन्हें 20 लीटर पानी का एक कंटेनर बतौर गिफ्ट भेजा था। तालिबानी नेता ने कहा था कि ईरान इस तरह के अल्टीमेटम देना बंद करे। इससे लगभग एक सप्ताह बाद दोनों देशों के बीच तनाव इस कदर बढ़ गया कि दोनों के सुरक्षा बल सीमा पर भिड़ गए। इस झड़प में दो ईरानी गार्ड और एक तालिबान लड़के की मौत हो गई थी, और इसके बाद दोनों देशों के बीच रह कर बहस चलती रही। तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता में अगस्त 2021 से है, हालांकि वह 2001 से ही सत्ता पर काबिज होने की कोशिश में जुटा था, लेकिन उस साल अमेरिका ने हमला करके तालिबान को काबुल से खदेड़ दिया। उसके बाद कई सालों तक तालिबान के लड़ाके पहाड़ों में दुबकते फिरते रहे। अगस्त 2021 में जब अमेरिका सेना अफगानिस्तान से वापस अपने देश लौटी, तो 15 अगस्त 2021 को काबुल पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने अपनी सरकार बना ली थी। तब से तालिबान सत्ता पर राज कर रहा है और सत्ता का फायदा उठा रहा है। विवाद सुलझने के बजाय उलझता ही गया। दुनिया के दो कट्टर इस्लामिक मुल्कों ईरान और अफगानिस्तान में युद्ध छिड़ने के आसार हैं। सूत्र का कहना है कि तालिबान ईरान के साथ युद्ध के लिए तैयार है। तालिबान ने ईरान से युद्ध में लड़ने के लिए आत्मघाती हमलावरों को भी तैयार कर लिया है। आगे की खबर हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा। जहां कहीं भी सुधार की गुंजाइश हो जरूर लिखिएगा। देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।